हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदी वन। तो आज हम करेंगे यूनिट वन में ही एक टॉपिक है शिक्षण। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना जरूरी है। तो शिक्षण यानी टीचिंग जो है वह क्या है? तो यदि हम बात करें तो टीचिंग में वो सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य जो है अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। मनुष्य जो है वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और आप सीख रहे हो, तो सिखाने का काम जो है या तो व्यक्ति या वस्तु इसके द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे पहले समाज की जो सबसे छोटी इकाई परिवार जो है उससे बालक सीखता है, उसके बाद स्कूल जाता है, स्कूल में सीखता है, फिर उस समाज में सीखता है, फिर टीवी देखता है वहां से भी सीखता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो वो सीखता है। तो यही क्या है? शिक्षण है, जिसके द्वारा उस बालक का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग है वो सीखने के लिए दी जाने वाली क्या है? एक प्रेरणा है, निर्देशन है, प्रोत्साहन है। तो परिभाषाएं देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण से संबंधित जो परिभाषाएं दी हैं, ग्रीन ग्रीन ने कहा है कि जो शिक्षण है टीचिंग, शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। टीचिंग क्या है? टीचिंग जो है टीचर का ऐसा काम होता है जिससे कि बालक का जो है वो विकास हो सकता है। स्मिथ के अनुसार जो है शिक्षण क्या है? सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। टीचिंग क्या है? टीचिंग जो है सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं जिनको एक टीचर जो है वो कराता है अपने बच्चों के बीच में, तो ये एक क्या है? एक प्रणाली है। ठीक है, अभी हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम स्कूल से संबंधित बात ही करेंगे, क्योंकि टीचिंग जो है वो केवल एक स्कूल में ही नहीं होती है। यदि हम बात करें कि शिक्षा जो है वह दो तरीके से दी जाती है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। स्कूलों में जो है औपचारिक शिक्षा दी जाती है, जबकि बालक जो अपने घर परिवार समाज में सीखता है वो एक तरीके की अनौपचारिक शिक्षा है। कोई भी रूल वगैरह वहां पर नहीं लगाए जाते हैं, इस तरीके से बालक सीखता है। तो यहाँ हम बात करेंगे विद्यालय की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान है। क्लार्क कहते हैं कि शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना और परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। अब टीचिंग जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना, बालक को कुछ सिखाना, उसे आगे चलकर जो भी वो कार्य करेगा, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, समाज में रहने से संबंधित हो, तो उसमें जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन करना जो है शिक्षण का उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है बर्टन की, उनका कहना है कि शिक्षण जो है सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, निर्देशन और प्रोत्साहन है। टीचिंग जो है जो कि क्या है? जिससे बच्चा जो है वो प्रेरणा लेता है, अपना मार्ग जो है वो डिसाइड करता है, जो भी उसे निर्देशन मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है, और उसे इन सब चीजों से क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है, जिसके द्वारा जो है वह आगे के जीवन में अपना कदम रखता है। तो शिक्षण का जो तात्पर्य क्या हुआ? शिक्षण जो है सीखने की एक प्रक्रिया ही है। मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच में वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ अधिक अधिक जो परिपक्व व्यक्ति है वो कौन है? एक अध्यापक है। और एक कम परिपक्व व्यक्ति कौन है? जो एक बच्चा है, किशोर है, बालक है। तो शिक्षण जो है एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्ति जो कि कम मेच्योर है, उसके बीच में एक घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या है? शिक्षण है। फिर देखें शिक्षण की विशेषताएं, क्या क्या शिक्षण की विशेषताएं होती हैं।
अब देखिए, एक अच्छा शिक्षण जो है वो वही माना जाएगा जहां पर उस शिक्षण में दया होगी, सहानुभूति होगी, ठीक है, प्रेरणादायक होगा, और ऐसा शिक्षण जो कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर कराया जाता है, तो वो शिक्षण जो बहुत अच्छा माना जाता है। तो शिक्षण जो है एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, क्योंकि एक टीचर जो है उसका काम क्या है, पढ़ाना है, बच्चों का जो भविष्य है उसका निर्माण करना है, ठीक है, और उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ जो है प्राप्त होता है। तो ये क्या है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। दूसरा है कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में रहने वाला जो बच्चा है, विद्यार्थी जो है, तो वो आगे जाके यहाँ विद्यालय में जो भी कुछ वो सीखता है, तो उसके बाद समाज में उसका कैसा व्यक्तित्व बनता है, तो ये भी शिक्षण के द्वारा ही डिसाइड होता है। यदि एक अध्यापक जो कि अच्छे मार्गदर्शन के द्वारा एक बालक को कुछ भी सिखाता है, तो आगे चल के जो है समाज में वो चीज़ सामने आती है। यदि एक टीचर ही जिसके अंदर दया नहीं होगी, सहानुभूति नहीं होगी, तो जो बालक है वह भी उसी तरीके से सीखेगा और वैसे ही वह समाज में आकर व्यवहार करेगा। तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है, यानी जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, जहाँ पर अध्यापक जो है जो कि अपनी जान लगा देता है पढ़ाने में, बच्चे को हर चीज़ जो है समझ में आए, उसको सिखाने में जो अपनी पूरी मेहनत जो है वह करता है, तो जो उसको रिजल्ट मिलता है उससे ये पता लगता है कि उसकी टीचिंग जो है कितनी अच्छी रही है या कितनी खराब रही है। यदि अच्छी रही है तो बच्चों से ही यह समझ में आ जाता है, और यदि उसकी टीचिंग खराब रही है तो वह बहुत सारी अच्छी जो शिक्षण विधियां हैं और उनका प्रयोग करता है, विभिन्न सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। तो शिक्षण जो है वो अध्यापक के परिश्रम का क्या है, एक रिजल्ट है, परिणाम है। फिर देखिए, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। इसका अर्थ क्या है कि जो शिक्षण की प्रकृति जो है वो कलात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है, ठीक है। तो शिक्षण जो है वो औषधि विज्ञान के जो व्यवहारिक उपयोग है उसकी तरह जो है एक कला है, क्योंकि इसमें जो है प्रतिभा और सृजनात्मकता का उपयोग किया जाता है, और इसी तरह जो है औषधि विज्ञान की तरह ये जो है एक विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें ऐसी जो टेक्निक, ऐसी जो तरीके, कौशलों का उपयोग किया जाता है जिनका क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना, वर्णन करना, उनमें सुधार लाना जो है वो संभव होता है। तो ये जो है एक महान जो चिकित्सक होता है उसकी भांति एक अच्छा अध्यापक जो है वह है जो साधनों को, परिस्थितियों को उपयोग ही नहीं करता, बल्कि उनमें जो है जो क्रिएटिविटी है, जो प्रेरणा है, वह भी समावेशित कर देता है। तो इसीलिए शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण में संप्रेषण कला का आधिपत्य होता है। तो एक जो अच्छा टीचर वही माना जाएगा जिसके अंदर ये कौशल होगा, ये स्किल होगा। यदि कम्युनिकेशन स्किल यदि वह बच्चों के साथ बिठा पाता है और बच्चे उसकी बातों को समझ पाते हैं, तो वह शिक्षण बहुत अच्छा माना जाता है। ज्ञान, कर्म और भावनाओं का जो सफलतापूर्वक संप्रेषण करना एक अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता मानी जाती है। शिक्षण शिक्षक तथा छात्रों के मध्य जो है पारस्परिक अंतःक्रिया है। तो ये हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षण विद्यार्थी और शिक्षण स्रोतों के मध्य चलने वाली एक ऐसी अंतःक्रिया है, ऐसा इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसका परिचालन जो है विद्यार्थी के मार्गदर्शन और प्रगति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है, यानी शिक्षण के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो हैं संपन्न होती हैं, और इन सारी क्रियाओं का इस प्रकार संगठन और आयोजन होता है कि जो सामाजिक वातावरण में जो भी पाठ्य सामग्री है, पाठ्य विधियां हैं, शिक्षण जो साधन है, उनके द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में जो है परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसी वजह से बहुत सारी जो क्रियाएं हैं विभिन्न तरीके की, उनका जो संगठित प्रणाली, संगठित रूप है शिक्षण। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण के चरण कौन-कौन से स्टेप होते हैं टीचिंग के। तो अब देखिए, आप लोगों ने बीएड किया था तब वहां पर माइक्रो टीचिंग जो की थी, तो वहां पर आपने ये स्टेप जो है वो फॉलो किए थे। पूर्व क्रियात्मक चरण, शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले उद्देश्य जो है डिसाइड किया जाता है, क्या उसे पढ़ाना है, क्या विषय वस्तु है,
तो उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतीकरण हेतु जो भी पाठ्य वस्तु जो कि बच्चों के सामने उसे प्रस्तुत करनी है, उचित शिक्षण विधियों का चयन भी किया जाता है। तो जो बेस्ट से बेस्ट जो शिक्षण विधि है उसका वो चयन करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक द्वारा चयनित शिक्षण विधि के अनुसार जरूरी शिक्षण अधिगम सामग्री भी चयनित की जाती है। तो शिक्षण विधियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, इनका चयन किया जाता है, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और इन सभी बातों का निर्धारण पाठ नियोजन में शामिल होता है। उसके बाद वह कक्षा कक्ष में जो है वो एंट्री करता है, फिर उनके सामने जो भी विषय वस्तु है उसको रखता है। तो ये तो है पूर्व क्रियात्मक चरण। अब देखिए अंतः क्रियात्मक चरण, तो इसमें शिक्षक द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से कक्षा में आकर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अब यहां पर प्रेजेंटेशन जो है वो टीचर करता है, जैसा कि आप लोगों ने किया भी होगा जब बीएड की थी। और इस चरण में जो है तीन प्रक्रियाएं जो है होती हैं। सबसे पहली है प्रत्यक्षण, शिक्षक द्वारा छात्रों द्वारा एक दूसरे के व्यवहार को समझने से है। यहां पर टीचर और छात्र एक दूसरे का जो बिहेवियर है उसको समझते हैं। अध्यापक द्वारा सभी छात्रों के हाव भाव को भली प्रकार से समझने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक के कक्षा में जाते ही छात्रों द्वारा उसके हाव भाव के आधार पर उसे समझने का प्रयास किया जाता है। तो वही बात है, ये प्रत्यक्षण क्या है, जहां पर एक दूसरे के व्यवहार को समझते हैं। सेकंड जो है वह है निदान। अब यहां पर शिक्षक द्वारा छात्रों की कमियां या समस्या क्या है उनको जानने की कोशिश की जाती है और साथ में ही समस्या के क्या कारण रहे हैं, उसके पीछे जो है क्या जो है कारण रहे हैं जो ये समस्या उत्पन्न हुई है उनको जानना जानता है वह टीचर। विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण के दौरान शिक्षक द्वारा जो है बीच बीच में छात्रों से कई सवाल पूछे जाते हैं कि जो बच्चा है क्या उसकी बात को सुन रहा है और जितना टीचर ने पढ़ाया है क्या उसको वाकई में समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ में आ रहा है, तो इसके लिए वह प्रश्न जो है उनके सामने रखता है। यदि छात्र जो है एक्टिव होकर आंसर देते हैं इसका मतलब यह है कि जो टीचर जो है जो भी टीचिंग कर रहा है वो सही चल रही है। छात्रों द्वारा सवालों के प्रति अनुक्रिया की जाती है और इसे ही प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द याद रखें। प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया क्या है, जहां पर जो क्वेश्चन होते हैं उनके प्रति अनुक्रिया की जाती है उसे प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया कहते हैं। थर्ड देखिए चरण जो है शिक्षण का वह है पश्च क्रियात्मक चरण, जो कि अंतिम चरण माना जाता है। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षक द्वारा जिन शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है वे कहां तक पूरे हुए हैं, जो भी उसने पहले से डिसाइड किए थे उद्देश्य जिनको लेकर वह कक्षा कक्ष में उपस्थित हुआ था उससे पहले ही उसने अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया था, शिक्षण विधियां उसका चयन कर लिया था। तो यदि शिक्षक द्वारा जिन शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया गया वो पूरे हुए हैं तो इसके लिए छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर जो है आगे की रणनीति बनाई जाती है। यदि वह सफल रहती है, जो भी परिणाम जो भी उद्देश्य उसने डिसाइड किए थे वो परिणाम से बिल्कुल मैच खाते हैं तो वह आगे की रणनीति बनाता है। उसके बाद देखिए शिक्षण के सामान्य नियम। तो एक जो टीचर जो टीचिंग करवाएगा कौन कौन से नियमों का पालन करेगा जिससे कि उसके विद्यार्थियों को उसकी टीचिंग जो है वह पसंद आए, अच्छी लगे और उसको समझ में आए। तो सबसे पहले एक टीचर जो कि टीचिंग करवाएगा एक क्लासरूम में, तो वहां सबसे पहले ये नियम जो है वो लागू होगा, बाल केंद्रिता का नियम। यानी वो टीचर जो है उसके सामने जितने भी बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं तो वहां पर उनको ध्यान में रखकर ही विषय वस्तु जो है वो पढ़ाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि जो स्तर है वह इतना ज्यादा हाई जाए कि बच्चों की कुछ समझ में ना आए। बालक को ध्यान में रखकर, बालक को केंद्र में रखकर ही वह टीचिंग करेगा। दूसरा है नियोजन का नियम, यानी कि प्लान। अब देखिए कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं होता है कि उठकर आए और इन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दे। देखिए ये चीज जो है वो प्रैक्टिकल रूप में आप सोचकर देखिए, जितने भी नियम है वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे।
तो टीचर जो है वो पहले प्लान करके आता है, उसके बाद पढ़ाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, इनको समझा है, बार बार इनको रिवाइज किया है। जब मैंने इन चीज़ों को पहले पढ़ा था, ठीक है, कुछ चीज़ें जो नई मिलती हैं उनको ऐड किया जाता है। प्लानिंग इस तरीके से की जाती है कि आप लोग इन सबको पढ़ के जो है वो अपना जो भी उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें, एग्जाम फाइट कर सकें, हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। तो ये मैंने प्लान किया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग टीचर बन जाओगे तो आप भी प्लानिंग के बाद ही बच्चों को पढ़ाओगे। ऐसा कोई भी नहीं करता है कि बना बिना जो है पढ़ाई करके और सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दे। अब देखिए, एग्जाम को फाइट करना एक अलग बात होती है, जहां पर हम खुद पढ़ते हैं, खुद समझते हैं और हम एग्जाम क्लियर कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में पढ़ाना वो एक अलग बात है। हर कोई पढ़ाए, हर कोई पढ़ा सके, ऐसा संभव भी नहीं होता है। ये भी एक क्या है, स्किल होती है, क्वालिटी होती है। तो जो टीचर है वो पहले प्लानिंग करके आएगा कि मुझे आज किस विषय पर पढ़ाना है, बच्चों को किस तरीके से, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करके इन बच्चों को समझ में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्यों की विशिष्टता, यानी उसने उद्देश्य डिसाइड किए हैं, उन उद्देश्यों को लेकर ही वह पढ़ाएगा। अब ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेगा कि 8 बच्चे हैं, समझ लीजिए 10 बच्चे हैं, तो उनमें से 8 बच्चों को तो आपकी सारी चीजें समझ में आ गई, 2 बच्चों को नहीं समझ में आई। तो अब आप क्या करोगे कि कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई है, छोड़ देते हैं, आगे जो है वो बढ़ते हैं। ऐसा नहीं करोगे। उद्देश्य आपका ये है कि आप सभी जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो उसका निम्न स्तर है बुद्धि का, चाहे उच्च स्तर है, सभी को बराबर समान लेकर चलोगे। लचीलेपन का नियम वही बात है कि यहाँ पर यदि उन 2 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी शिक्षण विधि जो है, जो टेक्निक जो आपने यूज की है, उसको बदलोगे, उसमें परिवर्तन लाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे कि उन 2 बच्चों को छोड़कर जो है वो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। क्योंकि एक शिक्षक का उद्देश्य ये होता है कि सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखे। उसका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि बालक जो है वो एक दूसरे का कंपैरिजन ना करें, वो ये ना सोचे कि टीचर जो है वो केवल उन्हीं बच्चों पर ध्यान देते हैं जो कि पढ़ने में अच्छे हैं। तो ऐसे तो जो पिछड़ा बालक है वो तो और पिछड़ जाएगा। तो इसीलिए टीचर जो है उसके अंदर लचीलेपन का नियम होना चाहिए। तो ये एक नियम है शिक्षण का, पूर्व अनुभवों के उपयोग का नियम। अब देखिए, टीचर ऐसा होता है जो कि जैसे टीचर एंट्री करता है तो सबसे पहले ये जानना चाहता है, आपने देखा भी होगा, इंट्रोडक्शन जो है वह लेता है। तो कुछ चीजें जो है वह उस टॉपिक से पहले, पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछता है कि उनको क्या नॉलेज है, पूर्व ज्ञान उन्हें क्या है इस विषय में। कुछ भी ज्ञान है उन्हें तो वह उन्हें प्रश्नों के माध्यम से उनसे निकलवाता है। उसके बाद ही वह आगे बढ़ता है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। तो इसीलिए पूर्व ज्ञान जो है वह बहुत ज्यादा महत्व रखता है। पूर्व जो ज्ञान है बच्चे को कितना है, तो उसको निकलवाना यह भी उद्देश्य है किसका, शिक्षक का। टीचिंग का एक बहुत ही बड़ा नियम है कि बच्चे को पहले की क्या नॉलेज है, जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको निकलवाना, यह भी टीचर का एक काम होता है, ताकि वह आगे बढ़ सके और बच्चों को अब जो समझाया जाए वो समझ में आ सके। फिर देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। तो यहां पर ये वाला नियम क्या कहता है कि जो टीचर है, जो भी टीचिंग करता है, तो वहां पर बालक को ध्यान में रखे, यानी एक बालक दूसरे बालक से अलग है। कोई भी बालक जो है वो एक जैसा नहीं है, हर बालक के अंदर अलग क्वालिटी है, अलग स्किल है, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखकर, उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही टीचिंग कराई जानी चाहिए। सक्रिय सहयोग का नियम, उसके अंदर जो टीचर है उसके अंदर दया, सहानुभूति जो है वह होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बालक जो है वह टीचर से कुछ भी पूछने में, कोई भी क्वेश्चन पूछने में जो है वह झिझके, उसे नहीं आता है। अब वह परेशान है, वो ये सोच रहा है कि पता नहीं जो टीचर है वो हमें आंसर देंगे या नहीं देंगे, उसके बदले में डांटेंगे क्या, ऐसा वो सोचने लग जाता है। यदि सक्रिय सहयोग की भावना जो है एक टीचर विद्यार्थी के साथ नहीं रखेगा। अभिप्रेरणा और रुचि का नियम, ये नियम ये कहता है कि बच्चा जो कि मोटिवेट नहीं है, यानी कि वो ये सोच रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, तो टीचर का ये उद्देश्य रहता है कि उसे जो है मोटिवेट करे, उसे इस चीज के लिए जो है जो भी प्रोत्साहन है, चाहे कुछ
जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई भी जो है गिफ्ट है, टॉफी है, ये दे, ताकि बच्चा जो है आगे बहुत अच्छा अचीव करने के बारे में सोचे, उसकी क्या रुचि है इसको ध्यान में रखे। कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि मैं जो है ये चीज़ नहीं कर सकता। उसको हमेशा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो संभव है। तो ये टीचर का उद्देश्य होना चाहिए, अच्छी टीचिंग उसी को माना जाता है। अभ्यास का नियम, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हर प्रैक्टिस कराया जाए। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि अभ्यास का नियम, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद रहती हैं और कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। यदि हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ जो है वो हमारे माइंड से बिल्कुल निकल जाएगी, हमारे माइंड से बिल्कुल उसका विस्मरण हो जाएगा। तो थॉर्नडाइक, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, उनके सिद्धांत में कि बार बार यदि हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वो हमारी स्मृति में रह जाती है, और यदि हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसका विस्मरण हो जाता है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं। तो एक टीचिंग के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। एक टीचर जो है वो इस चीज़ पर जो है ध्यान देना चाहिए कि अभ्यास जो है ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए। उचित तथा अनुकूल वातावरण का नियम, क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसे रखना चाहिए कि बच्चा जो है खुश होकर मजे तरीके से फुल एंजॉय लेकर जो है पढ़ सके। ठीक है, तो उसकी पढ़ाई में इतना मन लगे कि आते ही टीचर के जैसे ही एंट्री करता है तो वो ये सोचे कि आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उस पे वो उसे बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि अब हमसे ये टॉपिक जो है वो नहीं होगा। तो टॉपिक यदि कठिन है और टीचर भी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव करे, बच्चों से बिल्कुल भी दया की भावना ना रखे, तो टॉपिक और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए उचित और अनुकूल वातावरण जो है वह भी मायने रखता है टीचिंग में। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण के जो सूत्र हैं उनकी बात करेंगे। तो तब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको पढ़िएगा, इसको व्यवहारिक तौर पर सोचने की कोशिश करें जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आएं। थैंक यू।